So for next 10 minutes, I'm going to have the last talk before NEET 2024. और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है, बिकॉज़ दीज आर नॉट जस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स बट कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें होती हैं, लास्ट मोमेंट पे काम भी बहुत करती हैं. आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम पास्ट मोर देन 2-3 decades. सो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. और आप लोगों में से कई बच्चों से मैं अलग अलग मिला भी हूँ, कई तरह के जनरल डिस्कशंस भी किए हैं, बट एट दिस मोमेंट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the core fact about NEET 2024. Certainly all of you might be very confident about your preparation. अच्छे से course कर लिया है सब लोगों ने. है confidence नहीं है? Yes sir. Confidence के साथ थोड़ा डर भी है? Yes sir. होना चाहिए, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो it will transform into over confidence. डर होता है तो कहीं ना कहीं consciousness रहती है. Because अभी पिछले कई दिनों से I was analyzing कि पूरे इंडिया में students कैसा perform कर रहे हैं. सो एज़ पर दी प्रेजेंट स्टैट्स ऑलमोस्ट अराउंड 300 से ज़्यादा स्टूडेंट इंडिया में हैं जिनका गोल बहुत क्लियर है कि हमको 720 में 720 लाना है, जिनमें से काफ़ी सारे तो आपके यहाँ पे भी अभी बैठे हुए हैं. सो अक्रॉस कंट्री आप सब जानते हो एक बात कि किसी भी स्टूडेंट का स्कोर अगर मॉक टेस्ट में 690-700 के आसपास टच करता है तो कहीं ना कहीं मन में ये तो आ ही जाता है ना कि मैं 720 ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, और फिर पूरी जान अपन लगा देते हैं. द सेम थिंग इज़ देयर, और क्योंकि नीट इट इज़ डिफाइंड कि दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी एनसीईआरटी बेस्ड, सो देर आर वेरी रेयर चांसेस कि पेपर बहुत टफ आ जाए. आज से 5 साल पहले आता था वैसा पेपर आ जाए. वैसा आ जाएगा अगर पेपर तो आपको खुद ही प्ले करना पड़ेगा अपने दम पे, क्योंकि उस लेवल की प्रैक्टिस आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी हुई है. बट यस, सर्टनली एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, एज फार एज योर ओवरऑल सब्जेक्ट नॉलेज इज कंसर्न, वो कहीं पर कम नहीं है चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए. एंड इवन स्टूडेंट्स आर विलिंग कि पेपर टफ आना चाहिए ताकि कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने के चांस नहीं है. सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स लेट्स टॉक अपॉन कि अगर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट 700 प्लस पे फोकस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना. जिन लोगों का स्कोर लो है वो भी इस बात को समझें. कई बार स्टूडेंट अपने आप को मान के चलते हैं जिनकी थोड़ी परफॉर्मेंस लो है कि आई एम एन एवरेज परफॉर्मर, मेरा टारगेट ही 600 लाना है 580 लाना है. तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो इस बात को हमेशा के लिए लाइफ में बिठा दो कि लाइफ में कभी भी एवरेज लोगों के लिए जगह नहीं होती. आपको अपनी जगह बना के आपके अंदर जो अंदर टॉपर बैठा है या जो भी अंदर हाई परफॉर्मर बैठा है उसको निकालना ही पड़ेगा. आज मेहनत नहीं करते हो इसलिए एवरेज हो, जिस दिन जान लगा के मेहनत करना शुरू कर दोगे आप ट्रांसफॉर्म करने लग जाओगे. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि अपने आप को अलाइन करें. और ये जो इंडिया की बात करें, इंडिया लेवल के कॉम्पिटिशन की बात करें, तो थोड़ा सा डर मन में होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट स्लाइट फियर विल मेक यू कॉन्शियस अबाउट वॉट एयर यू आर डूइंग. अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में पहले ही एक हाई ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो कि नहीं मैं तो सारा का सारा पेपर करके आ जाऊंगा करके आ जाऊंगी, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी गलतियाँ होंगी आप इमेजिन नहीं कर सकते. सो मन में वो स्लाइट फियर इज ऑलवेज एसेंशियल. और साथ ही बहुत ज़रूरी है अपने आप को रिलैक्स करना. मैं तो ये चाहूँगा अभी मैं अपनी बातें कंक्लूड करूँ तो जिसके भी मन में थोड़ा सा भी ज़्यादा डर या प्रेशर है वो इसी रूम के अंदर छोड़ के चले जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको अगले 4 दिन अपने आप को कट ऑफ करना है, आइसोलेट करना है. दिस इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू. जितना आप रिलैक्स रहोगे एग्जाम में आपकी अलर्टनेस ज्यादा रहेगी, बॉडी को जितना डिटॉक्स करोगे दैट विल बी हेल्पफुल. एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम प्रेशर इसलिए भी रिलीज करना जरूरी है कि आप अगले 4 दिन तक किसी भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यू को दिमाग में कैरी ना करो. मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि लास्ट के 4 दिन कोई मॉक एग्जाम नहीं देना चाहिए. ऑल्दो हमारे मॉक एग्जाम का शेड्यूल एक नेशनल फ्रंट पे बना हुआ है, बट आई हैव टेकन अ कॉल कि हम यहाँ पे आज लास्ट मॉक एग्जाम लेंगे. आप पेपर चाहिए ले जाओ, घर पे प्रैक्टिस कर लो, बट आई डू नॉट प्रेफर कि अगले 4 दिन आपको कोई एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम घर में अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर जाता है. बट जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उस पेपर के अंदर, 200 ही तो मिलेंगे क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं. और क्वेश्चन होते कितने, एटलीस्ट 20,000. डू यू एग्री और नॉट? करेंगे तो 200, 3 पेपर दे दिए तो 600 क्वेश्चन कर लेंगे. अब ये जो लास्ट मोमेंट पे हमारी एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है ना, क्योंकि एक्चुअल वो दिन आ गया जिस दिन के लिए सालों से लगे हुए थे, तो ना चाहते हुए हमारी बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकली एंग्शियस लेवल्स बहुत हाई होते हैं. और वो सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त जो कुछ भी कर रहा है ना वो दिमाग पे फोटोग्राफिकली इंप्रेस होता जाता है. एंड एट दिस मोमेंट वो 600 क्वेश्चन तो दिमाग में फोटोग्राफिकली छप जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अननेसरी डाइल्यूट हो जाएंगी. तो एग्जाम डे पे मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सालों से मैं ये चीज़ देख चुका हूँ कि जो लोग लास्ट मोमेंट पे मॉक्स देते रहते हैं
वो मॉक से रिलेटेड चीज़ों पे तो बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ऑन द डे ऑफ एग्जाम गलतियां होती चली जाती हैं, क्योंकि एफिशिएंसी उन लास्ट के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा होती है. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप लास्ट के चार दिन जितना मल्टीपल रिविजन कर सकते हो पूरे सिलेबस का, दो सालों में जितनी गलतियां करी उनको रिकॉल करो, उनको रिव्यू करो. इतने सारे पेपर्स में जिन लोगों की परफॉर्मेंस 700-715 तक आ रही थी, उनके हर पेपर के अंदर कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जब जब जो जो गलत हुआ उनको रिव्यू करते रहो, एनसीईआरटी की स्क्रीनिंग करते रहो. पढ़ाई आप लोग जितनी करनी थी कर चुके हो, पढ़ाई में ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है. बट दिस इज एसेंशियल कि अगर आपके मॉक में परफॉर्मेंस डाउन हुई तो डर बढ़ जाएगा कि ऑन द डे ऑफ नीट क्या होगा पता नहीं. अच्छी रही तो ऑन द डे ऑफ नीट एक फेयर माइंडसेट के साथ नहीं जाओगे, तो अच्छी के साथ क्या होता है प्रेशर और बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. तो आई प्रेफर कि लास्ट के चार दिन अपने आप को किसी भी मॉक से कट ऑफ कर दो. आज तक जो स्कोर है उन स्कोर्स को भूल जाओ, और भूलने के लिए चार दिन काफ़ी हैं. चार दिन भूल जाओ कि कोई मॉक देना भी है अपने को. अपने आप को आइसोलेट करो और पूरे सिलेबस के ऊपर अलाइन कर दो. आप खुद रियलाइज करोगे एकदम से रिलैक्स होते जा रहे हो, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रेशर खत्म होता जा रहा है. क्योंकि जब आप मॉक एग्जाम देते हो तो एकदम से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पेपर के ऊपर आप घुस जाते हो और उस पेपर में कहीं पे भी फुल सिलेबस नहीं होता. कपल ऑफ आवर्स अगो आई हैव रिलीज्ड अ वीडियो जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम लास्ट में एग्जाम नहीं देंगे तो एग्जाम देने की प्रैक्टिस छूट जाएगी. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग. कई टीचर्स ने उनको बताया कि अगर आखिरी दिन फोर्थ को मॉक नहीं दोगे तो फिफ्थ को एग्जाम नहीं कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी. मतलब ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हैं. मतलब बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ. टीचर अपनी तरफ से क्या होता है स्टूडेंट के लेवल पे सजेस्ट करते हैं कि उस स्टूडेंट के लिए क्या सही. बट प्रैक्टिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, अगले चार दिन अपने आप को मॉक और आपके जो भी स्कोर आए सबसे आइसोलेट कर दो. आई कैन अश्योर यू कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा. अपना बेस्ट परफॉर्म करना ये ज़रूरी है. अपने आप को रिलैक्स करना है, स्लीप आवर्स एक्सटेंड करो. 5-6 घंटे सोते थे तो अगले चार दिन 7-8 घंटे सोना शुरू करो. असेंशियल ये भी है कि रात को सोने से जस्ट पहले एक तो स्टैटिक कर दो अपने मॉर्निंग वेकअप टाइम और स्लीप टाइम को. सोने से पहले अपने आप से बातें करो. देखो अपने आप से बातें करना सेल्फ टॉक सबकी हैबिट में होता है, लेकिन इन चार दिनों में सेल्फ टॉक को या डे ड्रीमिंग को जीरो पे लेके आना है आपको. बिल्कुल डे ड्रीमिंग को जीरो पे लाना होता है. पढ़ते पढ़ते या बैठे बैठे कई बार हम अपनी दुनिया में चले जाते हैं कि अपनी दुनिया के हम ही प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, अपने आप को जैसे चाहे इमेजिन कर लेते हैं. सब करते हैं, तुम्हारी एज में हम भी करते थे, आज भी करते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि डे ड्रीमिंग और सेल्फ टॉक अगले चार दिन बिल्कुल जीरो करना है. क्योंकि अब आप कॉन्सेंट्रेटिव एनसीईआरटी अपनी मिस्टेक रिव्यू इन दो चीज़ों के अंदर पूरी तरह से जब घुसोगे, एक बार सिलेबस खत्म हो दूसरी बार करना शुरू कर दो, दूसरी बार खत्म हो तीसरी बार करना शुरू कर दो. जब उस लूप में घुस जाओगे ना तो मेमोरी फोटोग्राफिकली फुल सिलेबस पर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, तो डे ड्रीमिंग सेल्फ टॉक अपने आप गायब हो जाएगी. और रात को सोने से जस्ट पहले 5-7 मिनट के लिए वो डे ड्रीम आना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से परफेक्ट कर रही हूँ, मुझे ऑन द डे ऑफ नीट अपना बेस्ट शॉट देना है और देख ही रहूँगी या देख ही रहूँगा. बस इतना अपने आप को समझाओ और सो जाओ. फिर जो 7-8 घंटे की आपकी स्लीप होगी ना, वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस थॉट को दिमाग में घुसाना शुरू कर देगा. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट अ फेरी टेल, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट. आपके ब्रेन में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो अलग अलग लेवल पे एक साथ काम करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का फ्यूल है, सबसे ज़्यादा पावर देता है. हमारे ब्रेन की पावर ही सबकॉन्शियस माइंड है. जिसकी सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेंथ है वो कुछ भी कर सकता है. आप अपने आप को सुपर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में डाल सकते हो. बट रादर देन गेटिंग इनटू दोज हिप्नोटिक एक्सरसाइजेस जो आपको एक्चुअली सुपर ह्यूमन बनाती है, आपको सिर्फ इतना सा करना है दिन रात अपने मल्टीपल रिविजन मिस्टेक्स रिव्यू इनको लूप में डालना है टिल द डेट ऑफ एग्जाम, ताकि मॉक से कट ऑफ हो जाओ. कि मॉक से अब अलग हो ही नहीं सकते, जितना देना था दे लिया, गलतियां बार बार रिव्यू कर रहे हैं अपन. ऑन द डे ऑफ एग्जाम हमको अपना बेस्ट शॉट देना है. अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो कि लास्ट में मॉक नहीं दूंगा तो क्या होगा, बहुत हो गया जो होना था. अब बेस्ट परफॉर्म करना है. क्योंकि आपने जितने भी मॉक दिए हैं जो हाई परफॉर्मर हैं उनके कहीं ना कहीं 690 भी आए होंगे, 720 भी आए होंगे, 715 भी आए होंगे, 685 भी आए होंगे. सो दोनों साइड्स हैं हमारे पास, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ऑन द डे ऑफ एग्जाम हमको बेस्ट शॉट देना है, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा. सो अपने आप को रिलैक्स करना है, कूल डाउन करना है, और सबसे बड़ी चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अंदर से 3-4 इमोशंस को जीरो करना है. एंगर को जीरो कर दो. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, कई पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ तो
बच्चे पेरेंट्स बताते हैं, बच्चे बहुत हमारे ऊपर चिल्ला देते हैं, आप हमको डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो. सबसे बड़ी चीज़ आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू बी एज कूल एंड रिलैक्स एज पॉसिबल. मन में गुस्सा किसी के नहीं आना चाहिए. सेल्फ टॉक मैंने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जितना हो सकता है अपने आप को क्वाइट कर दो, बोलना भी कम कर दो अभी, क्योंकि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ाई करनी है अभी. तो सैडनेस ज़ीरो होनी चाहिए. सैडनेस कब आएगी? जब कुछ सोचोगे, किसी और तरफ ध्यान बटाओगे. सैड होने के लिए कोई रीज़न चाहिए ना, उसके बिना सैडनेस आएगी नहीं. तो आपको इमोशंस से आइसोलेट होना है. खुश रहना एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए कभी कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है. लोग कहते हैं खुश होने के लिए भी रीज़न चाहिए. आई पर्सनली फील खुशी अंदर से आती है. जब सैड होने का कोई रीज़न ही नहीं है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो सकती है? सो यू शुड स्टे काम, कूल एंड हैप्पी. हंसते खेलते पढ़ते पढ़ते 10 बार बेवजह स्माइल कर लिया करो, खुद पे हंस लिया करो. ये बढ़िया चल रहा है, ये चैप्टर हो गया, मेरा रिविजन बहुत अच्छी स्पीड पे जा रहा है. खुशी अंदर से आती है. तो स्टे कूल, रिलैक्स. हैप्पीनेस शुड ऑलवेज बी देयर इन योर सराउंडिंग. खुद के लिए घर से निकलना बिल्कुल 4 दिन के लिए बंद कर दो. कहीं नहीं निकलना, एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशंस बन जाती है, हमको हर चीज़ अवॉइड करना है. भगवान को दिन में 2 बार याद कर लिया करो खाना खाते हुए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. इट इज़ जस्ट अ वे टू कॉन्सेंट्रेट बाई ह्यूमन बींग्स की ठीक है, ऊपर वाले को हम याद करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स, बट इट्स ऑल अप टू यू. सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन करके चलेंगे, रिलैक्स करेंगे, इमोशन से आइसोलेट करेंगे. मॉक एग्जाम को दिमाग में लाना ही नहीं है, बस बेस्ट शॉट देना है. रात को सोने से पहले अपने आप से बात करके बेस्ट शॉट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके सीधा सो जाएंगे. सुबह के उठे हुए हो, दिन भर एफर्ट्स लगा रहे हो, तो नींद ऐसी आएगी, रात को डिस्टर्ब रहोगे ही नहीं. तो ये 4 दिन की हैबिट क्या करेगी, आपको एग्ज़ाम नाइट से पहले की एंग्जाइटी को किल कर देगी. अगर आपने मॉक दिया तो वो एंग्जाइटी किल नहीं होगी. आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु आर सो हाई परफॉर्मर्स, बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम रात को सो ही नहीं पाए एंग्जाइटी की वजह से. और रात को अगर एंग्जाइटी की वजह से नहीं सो पाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगले दिन, वो भी आफ्टरनून में, पेपर अलग है तो डिस्टर्ब करेगा. Try to have your lunch at around 11:30 or 12, so that body acidity goes totally down by the time you are appearing in examination. Light food, light meal, sab kuch bilkul relaxed chalna. So that's what, for the purpose, I asked you to stay here for next 15 minutes after your test. But this last talk was extremely important because I have seen many students, जिनके इवन 620, 630 मार्क्स थे ऑन द डे ऑफ एग्जाम, वो 680, 690 टच कर जाते हैं. एग्जाम में कोई टारगेट लेके मत जाना इन एनी कंडीशन की मुझे इतना स्कोर करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिनका 700 टच नहीं हो रहा, वो हमेशा टारगेट बना लेते हैं. डोंट कीप एनी टारगेट, जस्ट फोकस ऑन फुल सिलेबस. एग्जाम में जो होगा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, अपना बेस्ट शॉट खेल के आना है अपने को, इससे ज़्यादा नहीं सोचना. नेवर हैव एनी पैनिक, जस्ट कीप काम, रिलैक्स. और ये 4 दिन पूरी की पूरी एनर्जी, मल्टीपल रिविजन, फुल सिलेबस. अगर कुछ बच्चों के टॉपिक्स कुछ वीक हैं तो उन पे 2-3 घंटे दो, बाकी के 10-12-15 घंटे अपने बाकी टॉपिक्स पे दो. 3 घंटे रोज वीक टॉपिक पे दे लो. आखिरी दिन फुल सिलेबस, इक्वल फोकस. आई नो ऑल दोज वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे आर बैलेंस्ड आउट इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, दे विल बी एबल टू मेक इट वेल. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. This was what I wanted to say. If you have any query, any doubt, you can ask. But मुझे लगता नहीं कोई query होगी. फिर भी है तो पूछ सकता हूँ. Is that clear? Yes, sir. चलो, wish you all the very best.